जी हमारे साथ इस टाइम पे अनमोल यहाँ पे मौजूद है और हम एक फ्यूचर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जिस तरह के से हम लोग हर चीज़ दुनिया के अंदर चेंज हो रही है, आपकी गार्डनिंग भी चेंज हो रही है। पहले के दौर में लोग या अभी भी लोग जो गार्डनिंग के लिए कुत्ते पालते हैं और वो जो लोग इंट्रूजर होते हैं या कोई चोर होते हैं वो कुत्तों को देख के भाग जाते हैं, चीज़ें भाग जाते हैं। बट यहाँ पे एक अनयूजुअल चीज़ दिखी है हमको, रोबोटिक डॉग्स। आप पीछे देख सकते हैं कि रोबोटिक डॉग्स बने हुए हैं और जो गार्डनिंग भी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अनमोल बताइए इसके रोबोटिक डॉग के बारे में क्या क्या है ये? बेसिकली ये जो रोबोटिक डॉग है कम्प्लीटली AI कंट्रोल्ड है। सो it is able to think, it's able to sense, and it's able to know its environment really well. So it's fully automated. तो फ्यूचर के अंदर हम देख सकते हैं कि कोई जगह होगी तो वहाँ पे इस तरह के रोबोटिक डॉग्स भी लोग छोड़ के चले जाएंगे और जो भी लोग आ रहे हैं उनको ये सेंस करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और आपको भेज भी सकते हैं। एब्सोल्युटली। और अगर सोचें जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या फ्लड्स हो गए, तो ऐसे डॉग्स कैन गो इन टू प्लेसेज दैट ह्यूमंस कैन नॉट गो and they can find out information for the life services. So it can have a very humanitarian cause as well. Or for example, कहीं बम का कहीं है खतरा या कोई ऐसी चीज़ है, ये robotic dogs बाकायदा अंदर जाएंगे उधर आपको sense करेंगे और आप इसको over the उसके ऊपर control भी कर सकते हो। Absolutely। इनकी cost कितनी है? Cost अभी ये product नहीं बनाया, अभी research and development चल रहा है, तो शायद 4-5 साल में वह ये प्रोडक्ट हो जाएगा, उस टाइम पे कॉस्ट एस्टिमेट आएगा इसका। आप देख सकते हैं ये है फ्यूचर के डॉग्स जो आने वाले दिनों के अंदर असली डॉग्स की छुट्टी करने वाले हैं। जिस तरीके से आम इंसानों की नौकरियां जा रही हैं, कुत्तों की भी नौकरियां जाने वाली है।